बॉलीवुड की दिग्गज अभिनेत्री श्रीदेवी का शनिवार रात तकरीबन 11 बजे निधन हो गया। वो 54 साल की थी। उनका निधन दुबई में दिल का दौरा पड़ने से हो गया। पिछले दिनों भतीजे और अभिनेता मोहित मारवा की शादी में शामिल होने के लिए श्रीदेवी अपने परिवार के साथ दुबई में थी। भारतीय दूतावास के अधिकारी दुबई के स्थानीय अधिकारियों के साथ मिलकर श्रीदेवी के शव को जल्द भारत लाने की कोशिश में जुटे हैं। हालांकि अभी तक ये साफ नहीं हो पाया है कि इसमें कितनी देर लगेगी। ऐसे में लोगों में ये जानने में रुचि है कि विदेश से शव लाने की क्या प्रक्रिया है और इसमें कितना समय लगता है। क्या है विदेश से शव लाने की प्रक्रिया? विदेश में हुई किसी भी मृत्यु के मामले में शव को भारत वापस लाने के लिए कई दस्तावेजों की जरूरत होती है। विदेश मंत्रालय ने इससे जुड़ी विस्तृत जानकारी अपनी वेबसाइट पर दे रखी है। इसके मुताबिक शव वापसी के लिए मेडिकल रिपोर्ट और डेथ सर्टिफिकेट जरूरी है, जो कि स्थानीय हॉस्पिटल से जारी किया गया हो। पुलिस रिपोर्ट की कॉपी अगर एक्सीडेंटल या अननेचुरल डेथ का मामला हो, इसके इंग्लिश ट्रांसलेशन की कॉपी अगर रिपोर्ट किसी अन्य भाषा में लिखी हो तो, मृतक के किसी नजदीकी परिजन से कंसेंट लेटर जो कि नोटरी से अटेस्टेड हो, पासपोर्ट और वीजा के पन्नों की कॉपी निस्तीकरण के लिए। इन दस्तावेजों के अलावा शव पर लेपन का क्लियरेंस और उसकी व्यवस्था भी जरूरी है। स्थानीय इमिग्रेशन और कस्टम से क्लियरेंस भी जरूरी होता है। मृतक किसी संक्रामक रोग से पीड़ित नहीं था, इसका सर्टिफिकेट भी जरूरी होता है। ये तमाम नियम देश के हिसाब से कुछ बदल सकते हैं, पर ज्यादातर इसी तरह के रहते हैं। नेचुरल डेथ के मामले में सबको वापस लाने में बहुत देर नहीं लगता, लेकिन अननेचुरल डेथ के मामले में ये प्रक्रिया लंबी चलती है, क्योंकि स्थानीय स्तर पर पुलिस उसकी जांच पड़ताल करती है और उससे जुड़े सबूत जुटाती है। शव को वापस लाने की प्रक्रिया के दौरान भारतीय दूतावास कंसुलेट लगातार मृतक के परिजनों के संपर्क में रहते हैं। न्यूज रूम से न्यूज 99 की रिपोर्ट। फिल्म और दुनिया की ऐसी तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल न्यूज 99 को।